Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. 6 जुलाई को आयोजित होने वाले ICSE, CBSE वे यूपी बोर्ड में कक्षा 10वीं और 12वीं में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसको लेकर आज अग्रसेन सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताई गई। संस्था के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र अग्रवाल ने बताया कि मानव सेवा, पशु सेवा और प्रकृति सेवा करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया है। 6 जुलाई के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ट्रस्ट के सभी सदस्य अपना योगदान दे रहे हैं। श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट 6 जुलाई 2023 को वैश्य मेधावी छात्राओं का अभिनंदन समारोह एवं गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन का आयोजित करने जा रहा है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वात्सल्य प्रतिमूर्ति पूज्य दीदी मां साध्वी रितम्बरा जी हमारे बीच पधार रही हैं और इसी के साथ साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री दीपक सिंगल जी IAS, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार और श्री एस के अग्रवाल जी, पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद, श्री रामकिशन जी अग्रवाल चेयरमैन बसेरा ग्रुप विशेष अतिथि के रूप में ये लोग हमारे बीच पधार रहे हैं और कार्यक्रम में लगभग 75 बच्चों की जो अंक तालिका अभी तक हमें प्राप्त हो चुकी है उन बच्चों का सम्मान किया जाएगा जो 10th और 12th में है, जिन बच्चों ने ICSE और CBSE बोर्ड में 90% या उससे अधिक और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में 80% या उससे अधिक के जो नंबर लिए हैं उन बच्चों को सम्मानित करने का इसमें कार्यक्रम है। इसी के साथ साथ जो शहर के गणमान्य व्यक्तियों को लिया गया उसमें प्रमुख डॉक्टर्स हैं, CA हैं, शिक्षाविद हैं, उद्यमी और व्यवसायी हैं। और कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि समाज में धर्म के प्रति जागरूकता युवा शक्ति में कैसे हो उसके लिए साध्वी रितम्बरा जी को बुलाया गया है ताकि उनकी ओजस्वी वाणी और उनके जो मार्गदर्शन है उससे युवा शक्ति को मार्गदर्शन मिले और वो अपने जीवन में धर्म और अध्यात्म को स्थान देते हुए उस पे कार्य करें, उसमें आगे बढ़े, उसमें जुड़े ताकि उनके जीवन में सुगमता और सुलभता रहे और वो शिक्षा के साथ साथ अपने जीवन में सही और गलत निर्णय को समझ पैदा हो सके। इसी के लिए हमने इस आयोजन को किया है और साथ ही भविष्य में ट्रस्ट के माध्यम से श्री अग्रसेन जी और माँ कुलदेवी का मंदिर बनाने का संकल्प इस ट्रस्ट के माध्यम से लिया गया है जिसकी बहुत शीघ्र ही शुरुआत करने की तैयारी चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।